मुद्दा देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। लगता है सूबे की बीजेपी सरकार के अच्छे दिन फिर गए हैं और बुरा दौर शायद शुरू हो चुका है, क्योंकि अब सरकार के खिलाफ विपक्ष ही नहीं बल्कि बीजेपी के अपनों ने भी बगावत का बिगुल फूंक दिया है। पहले विपक्ष मनोहर सरकार पर आरोप लगाया करता था कि सरकार ने 2.5 साल में आखिर किया क्या। अब यही सवाल बीजेपी के खुद के माननीय उठा रहे हैं, सरकार से खुद ये सवाल करने लगे हैं। मुख्यमंत्री के दौरे को कहते हैं टाइम पास, विधायक पर कार्रवाई और उनके भाई पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज होने से उमेश अग्रवाल के तेवर अब और ज्यादा तल्ख हो चुके हैं। बैठकों का दौर शुरू हो चुका है और सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी भी। ऐसे में जब सरकार के कामकाज से खुद सरकार के अपने ही विधायक नाखुश हों तो भला जनता कैसे खुश रह सकती है। हम इसी मुद्दे पर करेंगे आज चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हमारी खास रिपोर्ट। मैं किसी दबाव में किसी प्रेशर में झुकूंगा नहीं, दबूंगा नहीं, टूटूंगा नहीं। जो भी कुछ सरकार करना चाहे, जितने विषतम करना चाहे, जाति करना चाहे, कर ले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरी आवाज दबेगी नहीं, रुकेगी। मैं झुकूंगा नहीं, दबूंगा नहीं, मेरी लड़ाई जारी रहेगी। गुरुग्राम के विधायक उमेश अग्रवाल की लड़ाई अपनी ही सरकार से है। गुरुग्राम के विधायक उमेश अग्रवाल के भाई हितेश और राकेश अग्रवाल के खिलाफ जमीन हड़पने की कोशिश के तहत मामला दर्ज हुआ था, जिसके बाद विधायक के तेवर एक बार फिर से तल्ख हो गए हैं और उनका कहना है कि यह FIR राजनीतिक द्वेष की भावना के चलते दर्ज की गई है। मेरे भाइयों ने गन्नौर में जमीन खरीदी हुई है, उनकी जमीन पर अवैध तरीके से किसी आदमी ने कॉलोनी काट के कब्जा करने का प्रयास किया, कुछ जमीन पे कर लिया। उस व्यक्ति के खिलाफ 3 FIR पहले से दर्ज हैं। उन FIR को दर्ज हुए 8-9 महीने हो चुके हैं और 1 FIR गुड़गांव में है, 2 FIR गन्नौर के उसी थाने में है, कोर्ट में केस चल रहा है। और इतना सब कुछ होने के बावजूद राजनीतिक द्वेष के चलते ये FIR दर्ज करना समझ से बाहर है। मैं किसी दबाव में किसी प्रेशर में झुकूंगा नहीं, दबूंगा नहीं, टूटूंगा नहीं। जो भी कुछ सरकार करना चाहे, जितने विषतम करना चाहे, जाति करना चाहे, कर ले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरी आवाज दबेगी नहीं, रुकेगी। ऐसा लगता है कि जिस अंगारे पर राख की परत बन गई थी वो हवा के एक झोंके से फिर से दहकने लगा है। एक तो विधायक उमेश अग्रवाल के भ्रष्टाचार और अफसरशाही हावी होने के आरोपों पर सरकार की ओर से कुछ कार्रवाई होने के बजाय पार्टी आग तरेरने लगी थी। ऊपर से विधायकों के भाइयों के खिलाफ FIR दर्ज होने से उमेश अग्रवाल के अंदर का गुबार फिर से फूट पड़ा है और उन्होंने सरकार के 2.5 साल के कामकाज पर ही उंगली उठा दी। 2.5 साल में जो हरियाणा की स्थिति है वो सब कुछ आपके सामने और जनता के सामने। इस मामले को तूल पकड़ते देर न लगी। आज गुरुग्राम में उमेश अग्रवाल के कार्यालय पर बागी विधायकों की बैठक हुई, जिसमें रेवाड़ी से विधायक रणधीर कापड़ीवास पहुंचे थे, मुलाना से विधायक संतोष तारवान पहुंची थी, नारनौल से विधायक ओम प्रकाश यादव पहुंचे थे, कोसली से विधायक विक्रम ठेकेदार पहुंचे थे, पटौदी से विधायक विमला चौधरी भी पहुंची थी। सभी साथी विधायक हमारे साथ हैं। सरकार जो हरकतें कर रही है उनकी जानकारी सब ले रहे हैं। हाईकमान को भी हम जल्दी उसकी सारी जानकारी दे रहे हैं। टेलीफोन पर हमारी बात हुई है और हम इन सब बातों से घबराने वाले नहीं हैं। सरकार जितने चाहे सितम कर ले। आज तो जैसे ये मीडिया में खबर छपी कि उमेश अग्रवाल जी के 2 भाइयों के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज हुआ है, तो मुकदमे की जानकारी भी लेनी थी, क्या मुकदमा हुआ है और इसके पीछे क्या कारण है। और फिर क्योंकि हम सब लोग साथी थे, सुधारक विधायक हैं, अगर किसी सुधारक विधायक पर दबाव आता है तो कम से कम उसका प्रोत्साहन के लिए, उससे मिलने के लिए, जानकारी लेने के लिए और उसके साथ खड़े हैं हम, मदद में पूरी तरह से अड़े हैं और खड़े हैं। जो मुझे पता लगा है कि ये 2011 का मामला है। अगर इस मामले में दम होता तो उस समय के भूपेंद्र हुड्डा ही हमारे खिलाफ कार्रवाई कर देते, क्योंकि उमेश अग्रवाल जी तो पहले से ही कांग्रेस के खिलाफ और बीजेपी के कर्मठ नेता रहे हैं। दम होता तो वो बात होती। और अब 11 साल के बाद 2.5 साल हमारी सरकार को हो गए
और ये अचानक जो ऐसी घटना एकदम आई है, हाँ, और वो भी कोई सीरियस ऑफेंस, जैसा अखबार लिखता है कि भूमि हड़पने का प्रयास किया गया है, हड़पने प्रयास है, तो ये सारी बातें सिद्ध करती है कि कहीं ना कहीं इसमें राजनीतिक बदले की बू आती है। बू तो यही आती है, इस बात को तो समझने की जरूरत है और यही सब कुछ जानने के लिए हम सभी बहन भाई यहाँ इकट्ठे हुए हैं। भाई उमेश अग्रवाल जी के साथ जो कुछ भी घटना कल घटी है उससे हमें सभी को बहुत ज़्यादा बुरा लगा है और वो सोच के ही हम सब आज विचार विमर्श करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि ऐसा क्यों हुआ। 2011 की बात है और आज 2017 में हमारी सरकार होते हुए इस तरह के केस दर्ज हों तो ये निंदनीय है, ये अच्छी बात नहीं है। एक तरफ जहां बीजेपी के बागी विधायकों ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है तो वहीं विपक्ष को भी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का मौका मिल गया है। उन्होंने आरोप लगाया है, आरोपी ने स्पष्ट रूप में कहा है कि हरियाणा सरकार में जितने घोटाले हुए हैं उन सब को मुख्यमंत्री जी के नॉलेज में ला दिया गया था और मुख्यमंत्री जी ने सहमति जाहिर की थी कि हाँ घोटाले हुए हैं। ऐसी परिस्थिति में जबकि मुख्यमंत्री भी मान रहे हैं और विधायक इस प्रकार की चर्चा कर रहे हैं तो एक बड़ा गंभीर विषय हरियाणा की जनता जानना चाहती है कि आखिर ऐसी क्या बात है, ये कौन से घोटाले हुए हैं, क्यों नहीं अगर ये सरकार पारदर्शिता से काम कर रही है, अगर ये सरकार सब कुछ जनता के सामने लाकर बात करना चाहती है तो मेरा सबसे पहले आग्रह है उमेश अग्रवाल जी से कि जो आरोप जिस प्रकार की घोटाले आपने मुख्यमंत्री जी के सामने लेकर आए वो घोटाले वो आरोप वो सारे हरियाणा की जनता के सामने भी लेकर आए। हरियाणा बीजेपी में संकट के बादल छटने का नाम नहीं ले रहे हैं, नाराज विधायकों को मनाने की जगह दूरियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। सीएम के गुरुग्राम दौरे के बाद से ही मची उठापटक के दौरान जहां सरकार के कुछ नेताओं ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से उमेश अग्रवाल पर कार्रवाई की मांग की तो उसके बाद उमेश अग्रवाल के पक्ष के नेताओं ने भी पत्र लिख डाला। अमित शाह को लिखे पत्र के जरिए उमेश अग्रवाल के खिलाफ पार्टी के कुछ पदाधिकारियों ने बेबुनियाद आरोप लगाने की शिकायत दी। दूरियों पर विराम लगने के बजाय अब FIR ने रिश्तों में दरार बढ़ाने का काम किया है। ऐसे में मुद्दा का सवाल है क्या प्रदेश बीजेपी में बढ़ेगी रार, क्या FIR बढ़ाएगी रिश्तों में खटास, क्यों मामले को हल्के में ले रही है सरकार, क्यों मामले पर पर्दा डालने में जुटी है सरकार, क्या संजीवनी ढूंढने में कामयाब होगी सरकार, क्या मनोहर सरकार की उल्टी गिनती हो गई है शुरू। अपनी ही सरकार के खिलाफ लगातार बोलने वाले गुरुग्राम के विधायक उमेश अग्रवाल पार्टी की मुश्किलें बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। अब उमेश अग्रवाल के परिजनों पर केस दर्ज होने के बाद दूरियां और भी बढ़ती दिखाई दे रही हैं। कहते हैं कि लड़ाई जब अपनों से हो तो खतरा और भी बढ़ जाता है क्योंकि वो ताकत के साथ साथ कमजोरी से भी वाकिफ होते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि अपनों से ही दुश्मनी सरकार को भारी पड़ जाए और इसका फायदा कोई और ना उठा जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। जी हाँ, तो सवाल यहाँ पर यही है कि एक तरफ जहाँ लगातार सरकार में ये दावा करने की पहले कोशिश की गई कि यहाँ पर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, वहीं अगर अभी की बात करते हैं तो ऐसे हालातों को देखकर ये तो स्पष्ट है कि सरकार में सब कुछ ठीक नहीं। और जिस तरह से विधायकों ने खुद सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और खुद टारगेट पर सीएम को ले लिया हो, ऐसे में हालात बेहतर होंगे ऐसे कुछ आसार होते हुए नजर भी नहीं आते हैं। खास बात यहाँ पर ये है कि सरकार इस बात को समझना नहीं चाह रही है, क्या डील करना नहीं आ रहा है इस मामले को लेकर, या फिर जानबूझकर इस मामले को हल्के में छोड़ा जा रहा है, आखिरकार इंटेंशन यहां पर क्या है। दूसरी बात यह है कि जो बागी विधायक हो चुके हैं उन बागी विधायकों का अगला स्टेप होगा क्या, क्योंकि अब आमने सामने की लड़ाई खुलकर शुरू हो चुकी है। पहले दबी जुबा में जो बातें हुआ करती थी आज खुलकर बयानबाजियां हो रही हैं, मुलाकातें हो रही हैं, अब छिपना छिपाना भी नहीं बल्कि सामने से तलवारें चल रही हैं, एक तरीके से शब्दों के बाहर चल रहे हैं। चलिए हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे खास पैनल इस वक्त मौजूद हैं
प्रदीप नरुला जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ में हैं, इसके अलावा कांग्रेस से हमारे साथ में नेता हैं, बीजेपी से भी हमारे साथ में है और इनेलो से हमारे साथ में नेता इस वक्त मौजूद, सभी का स्वागत। पहले एक बार नरुला जी शुरुआत में आप ही से करना चाहूंगी, मेरा पहला सवाल आपसे यहाँ पर यह है कि जो बात अब उमेश अग्रवाल खुलकर कह रहे हैं, नतीजा उसका क्या होगा? देखिए पूजा, पिछले 2.5 साल में बहुत सारे मौके ऐसे आए कि सरकार ने ये दिखा दिया कि वो इमेच्योर है और इस मामले को भी निपटाने में सरकार की इमेच्योरिटी सामने आई। सरकार खुद ही अपने कटघरे में सवालों में के घेरे में आ गई। उमेश अग्रवाल ने 2 दिन पहले सरेआम मुख्यमंत्री के दौरे पे आरोप लगाए कि मुख्यमंत्री ने जितने भी यहाँ घोषणाएं की उन पर अमल नहीं हो रहा। उन्होंने गिनकर 5-7 घोषणाएं तो बताई, जिसमें यूनिवर्सिटी का मामला था, जिसमें जीएमडी का मामला था, और अगले ही दिन कैबिनेट की मीटिंग बुलाकर सरकार ने इतनी बड़ी इमेच्योरिटी कर दी कि वो बातें मान ली जो आरोप उमेश अग्रवाल ने लगाए थे। हाँ। और उन्होंने उस पर कैबिनेट में पास कर दिया, यानी कि सरकार ने ये अंदर खाने मान लिया कि हाँ हम जानबूझकर देरी कर रहे थे। वो चीजें, और फिर इस प्रकरण को निपटने में, ये प्रकरण कोई नया नहीं है, कोई 2 दिन में खड़ा नहीं हुआ जी। ये जो हालात थे ये पिछले कुछ महीनों से सामने आ रहे थे और बात सेंट्रल हाईकमान तक पहुंच चुकी थी। हाँ। और इसको निपटने में सरकार ने कैसी रणनीति अपनाई ये समझ से परे है। मतलब इनका स्टैंड बार बार चेंज हो रहा है, सेशन में अलग, अभी कुछ दिन बाद अलग, इतने तबादले अधिकारियों के लगाइए कि नाराजगी को दूर करने की कोशिश है। इतनी जबरदस्त इमैच्योरिटी जो सामने आ रही है सरकार की तरफ से, कि ऐसे जब सवालों में खड़ी है सरकार, आरोप पर आरोप लग रहे हैं और उस आरोपों के बीच में एक ऐसी गलती कर दी कि उन्हें विधायक के भाइयों के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया, और वो मामला जो पिछले 5 या 6 साल से पेंडिंग चला आ रहा था, जिसपे अचानक कार्रवाई हो गई। तो सरकार, भगवान जाने कि ये सरकार जाने और भगवान जाने इनके सलाहकार कौन है, लेकिन एकदम इमेच्योर सरकार है और फिर एक बार साबित कर दिया कि ये सरकार इमेच्योर। राष्ट्रकुमार दहिया जी, क्यों इतना परेशान कर रहे हैं, क्यों ज्यादती कर रहे हैं अपने विधायकों के साथ में? देखिए, ना तो परेशान करने वाली ना ज्यादती करने वाली बात है। विधायक की अपनी बात है, उन्होंने अपनी बात कहने का अधिकार है, और ऐसी बात नहीं है कि पार्टी लेवल पे भी अपने कई प्लेटफॉर्म हैं, उनमें भी बात रखी जा सकती है और उनमें विधायकों ने रखी भी गई है, और उसके लेके 2-4 बार 3 बार चंडीगढ़ में बैठक भी हुई है और उनके समाधान भी निकले हैं। लेकिन प्लेटफॉर्म सर, सारे प्लेटफॉर्म पर तो बात रख ली, अब क्या प्लेटफॉर्म रह गया? पार्टी में प्लेटफॉर्म आपको अपनी सरकार के खिलाफ, अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल देना, और अपनी ही सरकार में मुख्यमंत्री है, आपके मुख्यमंत्री, आपके तमाम नेता मंत्री ये ढिंढोरा पीटते फिर रहे हैं कि हमारी सरकार ने विकास के कार्य किए, समान विकास हम कर रहे हैं, आपके अपने विधायक, ये तो कांग्रेस जैसा हाल आपका हो गया सर, कौन से अच्छे दिन लाने वाले हैं आप? देखिए खजान सिंह जी, आऊंगी मैं आपके पास। देखिए जो आप बोल रहे हैं ना, 2.5 साल सरकार ने, 2.5 साल में सरकार के अनेकों काम गति पे हैं। मैं आपके विधायकों की बात कर रही हूं, सरकार इस मामले को मैच्योरली तरीके से क्यों क्यों जहां तक विधायक की बात है, सुनिए मैंने, जहाँ तक विधायक की बात है, इन विधायकों के प्रेजेंस में ही कुछ घोषणाएं करी गई थी, कुछ पे काम चालू है। लेकिन ठीक है, विधायक ने अगर अपने क्षेत्र में कोई काम की अनदेखी करी है और उस विधायक आवाज उठाता है, विधायक कहाँ है, वो भी जनता का प्रतिनिधि है, उसको अपनी बात कहने का अधिकार है। लेकिन मैं फिर आपको कह रहा हूँ, मैं फिर भी कह रहा हूँ, जो हरियाणा में उस पर काम चल रहा है, नहीं रह गई निर्मला जी। पूजा, परसों एक विधायक विक्रम यादव ने सरेआम 11 की 11 वो घोषणाएं गिनवाई जो मुख्यमंत्री ने 1 साल पहले की, और उन 11 में से एक पर भी काम शुरू नहीं हुआ। ये 11 की 11 घोषणाएं उन्होंने गिनवाई जो मुख्यमंत्री ने खुद घोषणाएं की वहां जाकर, बताइए इससे बड़ी और क्या बात अब आपके लिए रह गई है? नाराजगी को जाहिर करना एक अलग मसला हो गया और अपनी ही सरकार की नीयत पर सवाल उठाना अलग हो गया। देखिए, नियत पे सवाल उठाने के 2 मायने हैं, नियत पे सवाल उनके काम पे या काम लेट होने का सवाल है, उसने सरकार ने स्वीकार किया है, कैबिनेट ने मंजूरी दी है, कैबिनेट काम को उसके कारण हो सकता है काम लेट होने का, लेकिन नियत सरकार की काम करने की है, नियत में खोट नहीं है। काम का लेट होना उसका फंडिंग हो सकता है, योजना हो सकती है, काम करने का तरीका हो सकता है, योजना में समय लग सकता है, उसके फंड में समय लग सकता है, लेकिन सरकार की नियत के मामले में हरियाणा की सरकार आरोप लगा रही है क्योंकि मैंने आवाज उठाई, इसलिए मेरे खिलाफ, मेरे भाइयों के खिलाफ कार्रवाई करने लग गई सरकार, द्वेष भावना से काम करने के, कार्रवाई करने के आरोप लगा रही है आपके विधायक सरकार के ऊपर, इससे बड़े आरोप पर क्या होंगे, ज्यादती के आरोप लगा।
बना रही है आप साल में आप द्वेष भावना वाली बात अपने विधायक है अपने विधायक पर द्वेष भावना कर हो नहीं सकता जी। पिछले ढाई साल में भूपेंद्र हुड्डा ने सिर्फ एक ही डायलॉग रटा रटाया कहा है कि ये सरकार बदले और बदली की सरकार है और आपने सिद्ध कर दिया। नहीं भूपेंद्र हुड्डा जी क्या कहेंगे उनको व्यक्तिगत बयान है ना वो भूपेंद्र हुड्डा जी के सरकार के बारे में लोग बहुत कुछ कहते हैं उस बात में नहीं जाना चाहते भूपेंद्र हुड्डा के बारे में भी बहुत कुछ कहते हैं कहना ऐसा मान लेना ऐसा सरकार में पत्रकार हल नहीं है ना। सर आप लोग पहले कांग्रेस के ऊपर लगातार ये आरोप लगाते थे कि इनके पास आपस में ही विपक्ष है आज तो आपके यहाँ पर खुद पार्टी विपक्ष खड़ा हो गया इससे कैसे बचेंगे और आप उसको इमैच्योरली ट्रीट कर रहे हैं बड़ा सही फरमाया यहाँ पर हम तो इस बात को पहले कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी केवल एक पार्टी है इसमें अंदर भी बाहर भी अपने कहने का सब स्वतंत्र अधिकार है स्वतंत्र बात करने केवल लोकतंत्र पर सिद्धि भारतीय जनता पार्टी करती है और उसके तहत उनको बात करने का अपना अधिकार है। चलिए आपके पास जवाब नहीं होगा मैं समझ सकती हूँ नहीं जवाब है मेरे पास कहाँ जवाब आप तो अलग अलग बातें करे जा रहे हैं फंडिंग की बात करें कभी कोई बात कर रहे हैं खजान सिंह जी ये बीजेपी की महाभारत है बीजेपी में जो महाभारत है आज की नई नहीं ये ढाई साल से तो प्रदेश स्तर पर चल रही है और लगभग पौने तीन साल से केंद्र स्तर पर चल रही है। देखिए बिल्कुल स्पष्ट है जिस तरीके की महाभारत है जिस तरीके कांग्रेस की स्थिति जैसा आभास नहीं होता इसके अंदर। देखिए गुड़गांव के आपके विधायकों ने भी बिल्कुल डिट्टो ऐसे ही मोर्चा खोल रखा था। देखिए बिल्कुल कोई कांग्रेस का तो नरोला साहब ने ठीक कहा हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं ये मतलब आपके बदले और बदली की सरकार है। प्लीज लेट मी कंप्लीट माय प्लीज लिसन। देखिए आपके सामने है ये 16 विधायक इकट्ठे हो गए 16 विधायक आज से नहीं उठा रहे मुद्दा ये इनकी लड़ाई खजान सिंह जी। अच्छा मुझे एक बात बताइए इनकी इस लड़ाई की वजह क्या है क्योंकि इनके अपने ही नेता बीजेपी के ये कह रहे हैं कि ये उनका अपने अपने कुछ फेवर है जो पूरे नहीं हो रहे जिस वजह से उन्हें इतनी ज्यादा तकलीफ हो रही है और इन्हीं के इस्तीफे की पेशकश की मांग की जा रही है। आप बताइए वजह इसकी क्या है। ये लड़ाई है घोटालों की और घोटालों को दबाने की लड़ाई है। अच्छा। जो घोटाले हम लोग ढाई साल से लगातार उठाते रहे हैं जो पब्लिक के सामने हम कहते हैं भाई ये इन्होंने इतने बड़े बड़े घोटाले किए हैं और उस घोटाले के ऊपर ही ये 16 विधायक इकट्ठे हुए उसके बाद ये 22 तक पहुंच गए। तो ये जो महाभारत है इनकी जो लड़ाई है वो इस प्रदेश के सामने जिस तरीके से जनादेश का इन्होंने अपमान किया है जिस तरीके से आज विधायक और विधायक एक नहीं आप कह रहे हैं उसकी वजह घोटाले हैं जो आरोप इनके अपने नेता कुछ लगा रहे हैं बीजेपी के जिन्होंने विधायकों के खिलाफ मोर्चा खोला वो क्या है। देखिए घोटाले ग्वाल पार्टी का मुझे ये बताइए दाम किसके दावों में दम है। प्लीज लेट मी कंप्लीट। देखिए ग्वाल पार्टी का घोटाला है वो लैंड घोटाला है वो हजारों करोड़ रुपए घोटाला है कोई एक का नहीं है वो हजारों करोड़ रुपए घोटाला मतलब नियत इन विधायकों की बिल्कुल साफ है ये पाक साफ है। मेट्रो रेल परियोजना का जो रूट ट्रेन का वो भी हजारों करोड़ का घोटाला मतलब जो विधायक इस वक्त बागी तेवर अपनाए हुए हैं वो बिल्कुल साफ है वो ईमान वो बाकी सुधारक विधायक हैं। देखिए जो घोटालों की बात है घोटालों घोटालों के सुधारक तो वो बताएंगे सुधारक हैं या उनकी महाभारत है। देखिए सुधारक तो बीजेपी के देखिए बीजेपी के नेता कह सकते हैं ये बीजेपी के नेता कह सकते हैं सुधारक हैं या क्या है या ये महाभारत है लेकिन मैं ये कह सकता हूँ मध्यावधि चुनाव की तरफ हरियाणा बढ़ रहा है तेजी से और जिस तरीके अगली बार जब होगी चुनाव तो फिर जीत आपकी होगी। देखिए और दूसरी बात मैं बताऊंगा एक मिनट लेट मी कंप्लीट प्लीज। देखिए प्रदेश स्तर पर जो आपके सामने है वही राष्ट्रीय स्तर पर है माननीय मोदी जी के अंडर डायरेक्ट सीबीआई है और सीबीआई ने अडवाणी जी और जोशी जी जो बड़े बड़े जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के लिए तीन साल से बाढ़ देख रहे थे उनको बुक कर दिया है। अब चलो आप सीबीआई उनके अंडर है डायरेक्ट और उन्होंने को बुक कर दिया चलो ट्रायल फेस करो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय स्तर पर भी लड़ाई है और प्रदेश स्तर पर भी और घोटालों की लड़ाई है और प्रदेश में जिस तरीके का जनादेश इनको देश में दिया था उसका अपमान है। मतलब ये अपने लोगों को संभाल कर रखना नहीं चाहते जो घोटाले करना चाहते उनके साथ नहीं है विचारधारा नहीं है इनकी एक सबकी विचारधारा अलग अलग से बात सुन रहा था खजान सिंह जी की कि वो कह रहे थे कि भाई ये लड़ रहे हैं आपस में तो आप अपना वक्त याद कीजिए कि अब तो बिल्लियों के बीच में सत्ता तो है आप तो तब लड़ते थे जब सत्ता भी नहीं थी अभी भी तो लड़ रहे हैं अभी हाल ही का बयान सुन लीजिए। हमारी कोई लड़ाई नहीं है हमारी पार्टी बड़ी मजबूत है दस साल तक देश की सेवा की प्रदेश की सेवा की 10 साल तक अभूतपूर्व विकास किया इतना विकास कभी कोई सोच भी नहीं सकता। माननीय खजान जान में बताया हुआ है आप घोटालों की सरकार आप तो घोटाले करते रहे घोटाला पर नहीं हुआ है आप तो घोटाले करते रहे हमेशा। पूजा जी
एक नया लोकतंत्र भारतीय जनता पार्टी में आ गया। आजकल प्रवक्ता जो भारतीय जनता पार्टी की बातें करते हैं, कभी मजाक करते थे कांग्रेस में, दोनों राष्ट्रीय पार्टियां एक जैसी होती नजर आ रही हैं। एक मजाक होता था इलाके की बातें करते थे, विधायक और सांसद बोलते थे कि भाई एक इलाके में हो गया योगदान कर दिया सीएम ने, दूसरे में नहीं किया, आरोप लगते रहते थे। तो ये कहते थे लोकतंत्र बड़ा अच्छा हमारा कांग्रेस का, कांग्रेस वाले मित्र कहते थे। आज भारतीय जनता पार्टी नया लोकतंत्र इस प्रदेश में ले आए हैं। विधायक विधानसभा में आज तक किसी विधायक ने इतनी बातें नहीं की जो इस बार विधानसभा में हुई। ये एक सब तरह का डेकोरम तोड़ दिया था, किसी तरह का नहीं छोड़ दिया था। उमेश अग्रवाल बोलने के लिए उठे, रामविलास शर्मा जी उनको खींच के अंदर ले गए, बात मत करो, आज बात मत करो। वो गुब्बारा तो एक ने एक दिन फूटना ही था। एक लोकतंत्र और बताऊंगा भारतीय जनता पार्टी का आपको, आपने ध्यान दिया होगा जिस टाइम सीएम साहब आए थे गुड़गांव में, पहली बार ऐसा हुआ जिले के किसी भी विधायक को नहीं बुलाया। मंत्री अलग बात है, कैबिनेट के मंत्री राव इंद्रजीत थे वहां, वो अलग मैटर है। विधायक राव नरवीर सिंह को बुला लिया, तीनों विधायकों को जिले के को नहीं बुलाया। इनके प्रवक्ता बिल्कुल आके कहते रहे वो उस इलाके में गए थे, बादशाहपुर इलाके में गए थे, गुड़गांव में नहीं गए। वो गुड़गांव के इलाके से होकर गुजरे थे, आपने पोल खोल दी पूरी। वो हो गया था बात। और मैं तो सबसे बड़ा दोष इसको राव इंद्रजीत को कहूंगा, जो मैं बार बार कहता रहा हूँ, खजान सिंह जी इसमें सहमत नहीं होते। 10 साल गुड़गांव का जो नुकसान कांग्रेस के समय राव इंद्रजीत जी ने किया, वो अभी तक रुके नहीं है। उनको सीएम की कुर्सी चाहिए, उस समय में 10 साल में उनकी नजर सीएम की कुर्सी पर थी। आज भी आप देख लो, जो विधायक उमेश अग्रवाल के पास आए, नारनौल से आए जो उन्होंने टिकट दिलाया था, कोसली से आए जो उन्होंने टिकट दिलाया था, मंत्री बनवाए थे, पटौदी से वही विधायक आए हैं जो उन्होंने टिकट दिलाया था। मैं ये वेरीफाई कर सकता हूँ, इंद्रजीत जी का इनमें हाथ है, पूरा का पूरा हाथ है। वो सीएम की नजर हर टाइम उनकी कुर्सी पर रहती है। और भारतीय जनता पार्टी की कितनी पहला मुकदमा पिछले 7 दिन के, और ये जो लोग अब बगावती सुर अपनाए बैठे हैं उसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ राम इंद्रजीत सरकार को हिलाना चाहते हैं। मैं तो बता रहा हूँ, वेरीफाई कर रहा हूँ, मैं इस बात को वेरीफाई कर रहा हूँ। परंतु ये गुड़गांव का दुर्भाग्य है, 10 साल हमने पहले रो लिया और 2.5 साल ये हो गए। गुड़गांव का भला नहीं हो रहा है, नुकसान हो रहा है। आपसी बंदरबाट में यहाँ से पैसा उठाया जा रहा है और पूरे हरियाणा पर खर्च किया जा रहा है। हम तो कहते हैं गुड़गांव का पैसा कम से कम सरकार गुड़गांव पर खर्च कर दो, बाकी सरकार का पैसा गुड़गांव को नहीं चाहिए। गुड़गांव का वाक्य पिछले 10 साल में बुरा हाल था और अब भी वो का वो चल रहा है, 2.5 साल में कोई कुछ नहीं सुधरे हैं। और जो आज तक हालात निमटने की बातें बताऊं, उमेश अग्रवाल जी बाकी विधायकों ने, एक मिनट बस मैं आपसे पूछ रही हूँ आप ही के उसी बात पर, अगर ऐसा है तो क्या सीएम को बाकी सरकार में लोगों को ये बात समझ नहीं आ रही कि कौन कराना चाह रहा है? अगर जैसा आपने कहा कि आप इस बात को वेरीफाई कर सकते हैं, अगर इस बात में इतना ही दम है तो फिर इस मामले को इतना इमैच्योरली क्यों ट्रीट किया जा रहा है? आपको ध्यान नहीं पूजा जी, एक डिनर किया था इंद्रजीत जी ने, कुछ मंत्री और सीएम साहब बिना बुलाए पहुंच गए थे वहां। वो भी एक तरह से पोल खोल दी थी, नहीं तो वो अपने समर्थित विधायकों को उन्होंने बुलाया था, डिनर दिया था, याद अगर आपको तो डिबेट हुई थी यहाँ, तो उस टाइम सारे पहुंच गए थे। और मैं तो कह रहा हूं सरकार कैसे नहीं निमटी। आपको एक हफ्ता पहले परिवहन कर्मचारियों ने जो हड़ताल की थी, सारी मांगे मानी, 4 दिन प्रदेश की जनता दुखी रही। जाट आरक्षण को भूले नहीं, मतलब है आप ये कह रहे कि विधायक ने समझ ही नहीं है। बिल्कुल है, विधानसभा के अंदर 16 विधायकों ने खड़े होकर उमेश अग्रवाल ने तो आरोप लगाए चोरी के। मेरे साथी ने, मेरे बड़े भाई खजान सिंह ने बताई, ग्वालपाड़ी सबसे बड़ा मुद्दा था, मेट्रो का मुद्दा था, मीटर घोटाला, फर्नीचर घोटाला, सीधे सीधे आरोप लगाने वाले पहले विधायक है विधानसभा में अपनी ही सरकार पे। ऐसा किसी सरकार में आज तक नहीं। और फिर वही विधायक जाति के आरोप लगा रहे हैं अपनी सरकार पर, दहिया साहब। नहीं, वो इसलिए लगा रहे हैं पूजा जी, जो पुराना केस था उसको, मतलब मैं कानून की बात नहीं, उसको मैं नहीं मानता। नीति के तहत हो रहा है और घोटाले हो रहे हैं, इसलिए अपने लोग घेर रहे हैं। पूजा जी, उस केस को मैं नहीं मानता, कानून अपना काम कर रहे हैं, डिले कर रहे हैं वो अलग बात है। हाँ, खजान सिंह जी की एक बात मैं जरूर याद दिलाना चाहूंगा, खजान सिंह जी एक बात वेरीफाई आज हो गई है, प्रधानमंत्री सीबीआई को तोते की तरह यूज करता है, ये भी आज आपने वेरीफाई कर दी। हम तो पहले से आपकी सरकार से जी। देखिए, मैं एक बात पहले तो धनखड़ी जो कह रहे हैं 10 साल में विकास नहीं हुआ, 2 साल में हम भी मानते हैं विकास नहीं हुआ, गुड़गांव विकास, लेकिन 2.5 साल में जो विकास की जो प्लानिंग योजना जो भारतीय जनता पार्टी सरकार ने बनाई है, जिस पर हम काम कर रहे हैं समूचे प्रदेश में, हम सबका साथ सबका विकास लेकर काम कर रहे हैं। रही हम विधानसभा में बाहर बोलने की, अंदर बात बोलने की, केवल भारतीय जनता पार्टी ही पहली पार्टी है जिसमें विधायक को बोलने की इतनी आजादी और अपनी बात कह सकता है, वरना तो पिछली सरकार हो रही है जो विधायकों के घर से उठाकर, लेकिन विधायकों घर से उठाकर ये नहीं पता था विधायक गया कहाँ। एक बात दूसरी बात, जो कांग्रेस का मेरे प्रवक्ता साथी कह रहे हैं अब भाई, हम ये तो घोटालों की सरकार रही है, आपने तो घोटालों में कसर नहीं छोड़ी है, एक घोटाला प्रूव नहीं हुआ आज तक भी,
ये ग्वाल पहाड़ी का भी तुरंत मुख्यमंत्री की संज्ञान में जाते ही तुरंत उस पर कार्रवाई कराई गई है, तुरंत कार्रवाई कराई गई है। और उसका भी जो रेवेन्यू रिकॉर्ड था उसमें आप सबको पता है, चर्चा में कई बार आ गया किस तरह उसमें खामी थी उनको ठीक कराया। सर ये सारी बात छोड़िए, मैं आपके लोकतंत्र की बात कर रही हूं। अगर इतना ही लोकतंत्र है आपका तो फिर क्यों अमित शाह के पास शिकायत जाए उनके खिलाफ? अमित शाह लोकतंत्र पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उसके पास शिकायत जाने कोई गलत नहीं है। लोकतंत्र की पार्टी का बहुत बड़ी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उसके पास में शिकायत जाना मेरे कोई गलत बात नहीं है। उनके अपनों के खिलाफ कोई कार्रवाई? आपके विधायक खुद ही आरोप लगा रहे हैं कि उनके भाई के खिलाफ में ये नहीं। देखिए फिर आप इस चर्चा को एक जगह रोकिए। अगर एफआईआर का मामला है, एफआईआर आज जिसकी शिकायत पे एफआईआर हुई है, एफआईआर सरकार ने हवा में नहीं करी है, जिसकी शिकायत पे एफआईआर हुई है वो शिकायतकर्ता कोई आदमी होगा, शिकायत करने तो वाला कोई आदमी कोई भी होगा, वो कानून के दायरे में आती है। वो शिकायत क्यों हुई, कब हुई, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन क्या शिकायत हवा में होगी? शिकायतकर्ता कोई व्यक्ति विशेष तो होगा ना? मैडम आप सुनिए, प्लीज आप सुनिए, प्लीज शिकायत करता मेरे को आप सिर्फ एक समझा दिए चर्चा में, शिकायत हवा में होती है क्या? शिकायत करने वाला कोई कार्यकर्ता होगा ना? कोई शिकायत करता होगा ना? अच्छा शिकायत करता मतलब बात कर रहे? बिल्कुल, बिना शिकायत करते शिकायत होती क्या? एफआईआर बिना नाम हवा में हो जाती है, वो अलग बात है, वो अलग बात है। शिकायत की एफआईआर का हो जाना, एफआईआर का हो जाना और जो हमारे विधायक की बात है, उन दोनों में फर्क है। उन दोनों को एक साथ में जोड़ दिया, विधायक अपनी बात उठा सकता है, अपनी बात कह सकता है और सरकार उस बात को सुनती है। सरकार में ये लोग नहीं, सरकार में ये हमारा हमको आपको समझने की बात है। सरकार हर स्थान पर कार्रवाई कर रही है, विधायकों को समझा दीजिए सर, बहुत सारा विधायकों को समझा रही सरकार। पूजा जी मेरी छोटी सी बात रह गई थी, मैं तो एक तो ये बताना चाहूंगा, TL70 प्रकाश को प्रमोशन मिली है, उसको कोई सजा नहीं मिली, उसको चंडीगढ़ ले जाकर बड़े पद पर बैठा दिया गया है, उन्होंने ये किया था ग्वालबाड़ी का। दूसरा मैं बताता हूँ, नया लोकतंत्र आ गया भारतीय जनता पार्टी किस तरह का आ गया, आपको ध्यान होगा पत्र लिखे जाते मीडिया के माध्यम से, अपने अध्यक्ष को राष्ट्रीय अध्यक्ष को पत्र लिखेंगे, मीडिया में पहले देंगे। हाँ। ये गुप्त पत्र होते हैं, मीडिया में पहले दिया, नाम दूंगा व्यक्ति के बाद होती है, वो उन्हें कैसे दिया है? कुलभूषण भारद्वाज और फिर चारों मंडलों ने मीडिया माने की कहां से बात होगी? अपनी पार्टी में जब पत्र लिखे जाते हैं, अनुशासन की बात करते हैं और ये लोकतंत्र की बात करते हैं, लोकतंत्र में ये नहीं होता, पार्टी की बातें प्लेटफॉर्म पर नहीं रखी जाती मीडिया के माध्यम से। समझा दीजिए, पार्टी के कार्यकर्ता अपना निजी मत का हकदार होता है, अगर उसने अपनी बात मीडिया में दी तो जिम्मेवार उसका है। इसमें पत्र ऐसा होता है, आप भी सरकार में रहे, लोकतंत्र की परिभाषा सबसे पहले आप तोड़ने वाले हैं। देखिए इसके अलावा एक बहुत बड़ा घोटाला और हुआ है, जो कि वृक्ष, हरे वृक्षों को काटने का घोटाला, 10,000 से ज्यादा हरे वृक्ष इस सरकार ने काट कर और लकड़ियां बेच दी, खुद बुल कर दी, उनका पता नहीं कानून है, वृक्ष काटना जुर्म है और उसके लिए कानून बनाओ, उसके लिए अदालत बनी हुई है। और इन्होंने सरेआम राजीव चौक से और इफ्को चौक से और ये जो बीच का चौक है सलोखरे वाला, इससे और प्रताप चौक से और इधर पाड़ बिहार से 10,000 हरे वृक्षों को काट कर इन्होंने बहुत खजान जी। ये तो आपको भी पता है कि किस बात के लिए पेड़ काटे गए थे और किस अनुमति से पेड़ काटे, कौन सी फॉरेस्ट की अनुमति है, और ये मुद्दा नहीं है, और विकास के मुद्दे खजान जी कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, केवल जनता को गुमराह करने का मुद्दा, सरकार छोड़ रोड छोड़ो काटने का घोटाला नहीं है, विकास होना उसमें और बताना चाहता हूं, बात कर रहा हूं, सुनिए, आप आरटीआई लगा देंगे आपको सारा रिकॉर्ड सामने आ जाएगा, आप विकास के मुद्दे को भी होगा क्या, या ये सिर्फ और सिर्फ एक ड्रामा क्रिएट किया जा रहा है? मुझे लगता है कि ड्रामा से बड़ा कुछ नहीं है, सरकार की इमेच्योरिटी यही झलकती है कि ये प्रकरण हुआ, बजाय इसे शांत करने के सारे ही सरकार के लोग भी इसमें घी डालने लग गए। सुभाष बराड़ा जी का बयान आता है कि अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी, तुरंत कापड़ीवास जी बोलते हैं, विधायक हैं इनके, कहते हैं आप करके दिखाएं, बिल्कुल हम किसी अनुशासित कार्रवाई से नहीं, हम करेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं। प्रदेश अध्यक्ष की इस स्टेटमेंट पर एक विधायक की स्टेटमेंट देना, इसका मतलब है कि तो डिसिप्लिन तो वैसे नहीं है, ये बड़ा क्लियर हो गया। इसका मतलब है कि हम में सारे नहीं है, सब एक दूसरे को जानते हैं, लोकतंत्र है, यहाँ पर बात रखने की इजाजत मिलती है, तो आप कैसे बात रखने की बात, जब आप अनुशासन नहीं, आप एक बात बताइए पूजा जी, आपने एक मिनट में कह दिया अनुशासन नहीं है, उनके कहने से अनुशासन किसी भी पार्टी का खत्म हो जाता है क्या?
चाहे वो पार्टी व्यक्तिगत विचार को लेकर आप अनुशासन से जोड़ रहे हो। सर क्या अनुशासन है? अनुशासन पार्टी की अपनी अनुशासन कमेटी और अनुशासन कमेटी होती है, उसमें विचार होता है। एक आदमी अनुशासन अनुशासन समिति होती है, अनुशासन समिति में कोई विषय जाता है उस विषय पे विचार होता है, उसके बाद में निर्णय लिया जाता है। वो निर्णय जरूरी नहीं है कि जो अनुशासन समिति चाहे अध्यक्ष आए उसी आगे हो जाए। कोई दबाव बिल्कुल ठीक है, दैया जी दबाव बना रहे हैं, इसका मतलब उनके ऊपर। दैया जी मैं आपको आपकी स्थिति स्पष्ट कर दूं कि संगठन के सर्वोच्च पद प्रदेश अध्यक्ष और सरकार का सर्वोच्च पद मुख्यमंत्री, दोनों पर सीधे आरोप करना लोकतंत्र नहीं है। आपको ये मैं बता दूं, आप जिस आप जिस नहीं आप इसको लोकतंत्र की दुहाई के बारे में कहते हैं लोकतंत्र नहीं अलोकतंत्र है। नहीं आप इसको रुड़ा जी मुझे बताइए, लोकतंत्र में अपनी बात करने का अधिकार नहीं है, कहने का नहीं, आरोप लगाने का अधिकार नहीं है। नहीं एक ही जगह रहकर आरोप आरोप सिद्ध हो तब तो आरोप है ना, कहने से आरोप है क्या? आप पूरी ये बात तय कर लीजिए पहले, आपके खुद के विधायक आरोप लगा रहे हैं, अब आरोप तय होंगे नहीं होंगे वो अलग मसला होगा, लेकिन क्यों लगा रहे हैं आरोप? सिद्ध हो तो आरोप है ना। सर सुनिए, अगर घुमा के बात कही जा रही होती ना, पहले अधिकारियों तक बात सीमित थी तब आपकी सरकार बच रही थी। पहले कहा जा रहा था कि अधिकारी नहीं सुन रहे, अधिकारी नहीं मान रहे, अधिकारी गुमराह कर रहे हैं। अब तो सर अधिकारी नहीं, अब तो सरकार मुख्यमंत्री, इनके ऊपर डायरेक्टली एलिगेशन है, आप क्या हल्के में ले रहे हैं क्या इस बात को? पूजा, इन विधायकों ने शुरू में मर्यादा बरती, सिर्फ अधिकारियों के नाम लिए, सबको पता था कि किसकी बात कर रहे हैं ये सब, सरकार भी जानती थी कि आरोप सीधे हम पर हैं, कोई अधिकारी नहीं, अधिकारी बिना सरकार की मर्जी के ऐसे काम नहीं कर सकते, किसी को इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन विधायकों ने फिर भी मर्यादा बरती, अंदर खाने वो सीधा आरोप ना लगाकर इनडायरेक्टली आरोप लगा रहे थे। और अब तो लड़ाई सड़क पर, अब तो लड़ाई सड़क पर आ चुकी है। बताइए द्वेष की भावना से कार्रवाई की आपके विधायक बात कर रहे हैं, प्रेशर बनाने की बात कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि ज्यादती हो रही है, अब इससे बड़ी बात और क्या सुनना चाहते हैं विधायकों की जुबानी? आप ये बता दीजिए। मैं इस बात जो विधायक जी बोल रहे हैं, मैं उनके उस बयान को मैं खंडन नहीं कर रहा हूँ, उनकी अपनी पुष्टि है, वो अपने पूजा जी लक्ष्मी फिनिश ना हो, आप बीच में बोलोगे तो मैं अपनी बात पूरी कैसे करूंगा। मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहता हूँ, जवाब चाह रही हूँ, मैं आप सवाल देने का मौका देंगे तो देंगे ना। अब जब वो लोग बोल रहे हैं और उनका अपना जिस आधार पर वो बोल रहे हैं, वो आधार जो भी उनका है, उनको विधायक है, अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन उस आधार का तथ्य जब है ना, जब वो सामने बात आएगी या उसका परिणाम आएगा, आज उनके कहने से उनका कहने का अधिकार है लोकतंत्र में, यही तो बात है। उस बात को मैं सिद्ध करना चाहता हूँ, लोकतंत्र में विधायक बनना तो उसकी जुबान बंद नहीं हो जाना होता है। लोकतंत्र में विधायक होने के बाद, मुख्यमंत्री होने के बाद, प्रधानमंत्री होने के बाद, सबके लिए बात करने का अधिकार है। जी ये साबित भी हो चुका है, विधायक ने दो दिन पहले आरोप लगाया कि जीएमडी में ढील बरती जा रही है, कांकरोला यूनिवर्सिटी में सिर्फ घोषणा हुई, अगले ही दिन कैबिनेट की मीटिंग में दोनों पास कर दिए गए, ये परिणाम आ चुका है, तभी हम बात कर रहे हैं कि सरकार। नरुला जी मैं आपकी बात बड़ी करता हूँ, ये जनता की मांग है ना, विधायक ने उठाई, विधायक इसीलिए तो बैठा है सर। अगर उसका किया हुआ काम उसकी योजना कहीं रखी है तो विधायक इसलिए है, विधायक किसलिए है, विधायक का यही तो काम है। खजांची जी देखिए, सरकार अल्पमत में आ गई है, विश्वास खो चुकी है अपने विधायकों का, साफ है, स्पष्ट है, ओपनली कह रहे हैं और घोटालों के आरोप लगाकर कह रहे हैं, कोई वैसे नहीं कह रहे हैं, ओपनली घोटाले का आरोप लगा रहे, ये बात हम भी कह रहे हैं, अब घोटाले सरकार ने किए हैं, घोटालों में ही लिप्त है। खजान जी आप ये नहीं कह सकते घोटाले सरकार ने किए हैं, घोटाले की कोई एक तथ्य आप दिखाइए ना, आरटीआई निकाल कर लिखा के दिखाइए ना एक तथ्य, एक को कागज लेकर आए आप घोटाले की, घोटाले की ना कहिए बात। हाँ ये ठीक है, उसमें अगर कोई डाउट था तो उस पर इंक्वायरी दोबारा सीएम ने तुरंत कराई है, ग्वाल पहाड़ी वाली जमीन पे दोबारा तुरंत से उसका रेवेन्यू चेंज कराया है। राम के मंदिर के नाम पर ये राजनीति करते हैं, भगवान कृष्ण की वाटिका तोड़ दी, वह अर्जुन गुरु द्रोणाचार्य के नाम से पार्क बना हुआ वो तोड़कर ध्वस्त कर दिया, और महाराणा प्रताप की प्रतिमा को खंडित नहीं 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 गलत 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 ये डिबेट खजान जी आप उस विषय को दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। हमने कभी भी राम का, भगवान कृष्ण का, महाराणा प्रताप का, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रहित की राष्ट्रहित की पार्टी है, हम ये अपमान केवल आप कर सकते हैं, कांग्रेस जन कर सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी नहीं। हमने तो राम मंदिर की लड़ाई सबके सामने लड़ी है, इतनी बड़ी लड़ाई है। पूजा जी जरा देखिए, महाराणा प्रताप हमारे हमारे एक आदर्श, हमारे बहुत बड़ी पार्टी है, नहीं नहीं खंडित नहीं करी, उसको सम्मान के साथ सुनिए, सम्मान के साथ उसको स्थान दिया गया है और सम्मान के साथ निकल जाएगा। विकास नहीं, पूजा जी हमारे हमारे से बड़ा देशभक्त पार्टी नहीं है,
अल्पमत की बातें चौधरी खजान सिंह के मुंह से अच्छी नहीं लगती। पांच साल अल्पमत में ही सरकार चला गई है, पांचों के पांचों विधायक बाद में सस्पेंड हो गए, सबको पता है। तो अल्पमत की बातें अभी मत करो, बातें आए काम की। मैं तो पूजा जी एक ही बात, लोकदल का बहुमत इनके साथ है इसलिए आप मत की बात नहीं करेंगे। पूजा जी मैं एक बात, लोकदल है ही बीजेपी की बीटी, प्लीज बीच में इसलिए नहीं है आपकी। प्लीज मैं एक बात कहना चाहूंगा पूजा जी, कांग्रेस संस्कृति भारतीय जनता पार्टी में घुस गई है। आपको ध्यान होगा कांग्रेस जब शासन चल रहा था 10 साल, मैं छोटे नाम नहीं लूंगा, बड़े बड़े नाम बताता हूँ। राव इंद्रजीत, या सीएलयू की बात की या इलाके की बात की, इलाका विशेष यानी रोहतक में काम होया, कैप्टन अजय यादव, शैलजा जी आज भी कांग्रेस में, चौधरी वीरेंद्र सिंह, कांग्रेस इसलिए छोड़ दी इलाके और सीएलयू की बात की उन्होंने, सीएम साहब ने इलाके और सीएम इलाके में काम किया या सीएलयू किए, इसलिए वो ही संस्कृति आज यहां घुस गई है। अगर बात अनुशासन की करे भारतीय जनता पार्टी, इनके मुंह से भी बात आज अच्छी नहीं लगती। आपको ध्यान होगा वही सुभाष बराड़ा है जो राजकुमार सैनी के खिलाफ फरवरी की बातें थी, हमने वो कर दिया, राजकुमार सैनी को कारण बताओ नोटिस दे दिया, आज तक जवाब नहीं मिला। अश्विनी चोपड़ा ने सीधा सीधा आरोप लगाया था भ्रष्ट अफसरों के में घिरे हुए हैं मुख्यमंत्री जी। इलाके की घोषणाएं, इलाके में घोषणाएं कर दी सीएम ने, ये इंद्रजीत ने सटेज पर गई, सीएम साहब बैठे थे, इलाके में घोषणाएं, मैं तो वही टॉपिक पर हूं सर, मैं टॉपिक से बाहर कहीं हूं नहीं, मैं टॉपिक से बाहर ही हूं, मैं सरकार के ऊपर बात कर रहा हूं, आपको बोले मैं तो बीच में नहीं बोल रहा आपके, इंद्रजीत जी ने सटेज पर सीएम बैठे हुए, सीएम के बैठे हुए ये कही थी घोषणाएं, घोषणाएं की काम शुरू नहीं है, इंद्रजीत ने कही है। ये अनुशासन नहीं इस पार्टी में, बिल्कुल अनुशासन नाम की चीज नहीं है। कांग्रेसीकरण इस पार्टी का हो गया है और जिस तरह से कांग्रेस काल होया इस पार्टी का भी वही हाल होगा, आप देख लेना। नहीं दलवीर जी, आप मुझे एक बात समझाओ कि अनुशासन से काम की घोषणा से क्या संबंध है? अनुशासन अलग, सुनिए अनुशासन अलग विषय, काम अलग विषय। मैं बताऊंगा जहां तक सरकार का काम है, सरकार कोई भी हो, ये मेरी भारतीय जनता पार्टी का सरकार की नहीं है, कोई भी योजना बनती है वो योजना एक दिन में किसी सरकार से पूरी नहीं होती, उस योजना का एक बजट होता है, उस योजना पे काम होता है, उस योजना को पहले बना के सर मैं मान गया, ये बात इंद्रजीत को समझाओ, ये मेरे को नहीं समझाओ, ये बात इंद्रजीत को समझाओ, व्यक्तिगत बयान हो सकता है, नहीं वही सटेज पे सीएम साहब वही बैठे हुए थे, पक्ष में आप इंद्रजीत को समझाओ, ये बात आपकी बात का ये यहाँ पे इंद्रजीत जी उसी सटेज पे बैठे थे रिवाड़ी की रैली में। एक सेकंड, मुझे एक बात बताइए अनुशासन का है, दूसरी बात ये कि ये अनुशासनहीनता तो है, ये बड़ा स्पष्ट है, आप इस बात को कबूल करें या ना करें। कौन सी बात अनुशासनहीनता है? आपके विधायक अगर आपकी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, ये अनुशासनहीनता है। हमारे अध्यक्ष अगर बोला ना क्या, उसके बाद आपके विधायक का बयान आ गया ना, अगर आपके विधायक ये कह दे कि मुख्यमंत्री टाइम पास करने आ जाते हैं, आप इसको लोकतंत्र कह रहे हैं, आपके विधायक ये कहते हैं कि आपके मुख्यमंत्री टाइम पास करने आते हैं, अनुशासनहीनता नहीं है, आप इसको लोकतंत्र बताते हैं। सुनिए और सुनिए सर, मेरी बात सुनिए और कहिए साहब, दूसरी बात ये, अगर रणधीर का सुनिए नजर आई है, मेरी बात सुनिए सर, एक सेकंड भैया साहब, एक सेकंड, और अगर ये आपका लोकतंत्र ही है, अगर ये आपका लोकतंत्र ही है तो आपके विधायकों ने अपनी बात तो बहुत पहले से रखनी शुरू कर दी। लोकतंत्र ये भी तो कहता है कि जब बात रखी गई तो उस बात पे कोई ना कोई सॉल्यूशन हो, तो सॉल्यूशन क्यों नहीं है आपके पास, मुझे ये बताइए क्या सॉल्यूशन है, मुझे ये बताइए। अगर मैं आपकी बात बड़ी करते इसको लोकतंत्र भी कहते तो लोकतंत्र में कब सुनी जाएगी इनकी बात, मुझे जरा ये बताइए। आप महीने गुजर गए, आपने सीएम तक में बदलाव की बातें सामने आ गई, फिर क्या होगी आगे? विधायकों ने जब अपनी बात रखी थी तब भी वो मीटिंग हुई थी, मीटिंग में हुआ था कि अधिकारी बात नहीं मानते, और उस समय विधायकों ने बाहर आके पुष्टि करी थी कि हम मुख्यमंत्री से नाराज नहीं है, प्रशासन से नाराज हैं, तो आप क्या कह रहे हैं? सुनी गई और आगे की कार्रवाई हुई। आप क्या कह रहे हैं? अगर आज कोई बात, इसका मतलब मुख्यमंत्री जानबूझकर सब कुछ कर रहे हैं, किसी बात को गलत नहीं, आप देखिए दो में से कोई तो गलत है ना सर, या तो मुख्यमंत्री बाकी बात नहीं सुन रहे और अधिकारियों से घिरे हुए हैं जो आपके विधायक आरोप लगा रहे हैं। अब इनमें से एक ही बात सच हो सकती है, दोनों तो बातें सच नहीं हो सकती, या तो मुख्यमंत्री आपके बाकी अधिकारियों के चंगुल में फंसे हुए जैसा कि आपके विधायक आरोप लगा रहे हैं, या फिर जो आपके खुद के बीजेपी के नेता कार्यकर्ता ये आरोप लगा रहे हैं कि उनके अपने काम पूरे नहीं हो रहे हैं, ये उनका अपना निजी स्वार्थ है और अगर ऐसा ही है तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, तो फिर यानी इसका मतलब जो बाकी के बाकी विधायक वो गलत है, कौन गलत है मुझे ये बता दीजिए। व्यक्तिगत मैं फिर कह रहा हूँ सुधा जी, जिसने किसी ने आरोप लगाया व्यक्तिगत आरोप है, मैं तो आरोप उस दिन मानूंगा जिस दिन आरोप किसी अनुशासन समिति के तहत आरोप आप आरोप यहाँ पर सब कुछ मिला के रख दिया सरकार के अंदर, आप कितने हल्के में क्यों ले रहे हैं इस बात को, व्यक्ति के कहने से किसी भी आरोप एक व्यक्ति हो तो माना जाए ना सर, कितने विधायकों को पूजा जी विधायक एक भी हो उसको पार करो, मैं विधायक अनुशासनहीनता का आरोप लगा उस पर करो, उसको नहीं अनुशासन एक ठीक है या तो सरकार ठीक है या विधायक ठीक है, इनको पता है ना सरकार में भी तो दिक्कतें आ जाएंगी अगर इस तरह से बाहर निकाल दे तो उसका मतलब बगावत पूरी खुल जानी है, तो या तो आप इसको ट्रीट नहीं करना चाह रहे हैं, आप इसको बहुत नरमी में ले रहे हैं इस मामले को, या तो ट्रीट की बात जहां तक है, हमारे को कार्यकर्ता है विधायक अपनी बात कह रहे हैं उनको कहने का अधिकार है। देखो पूजा, आप इस तरह का आरोप नहीं लगा सकते,
मैं सरकार के साथ खड़ा हूँ ऐसे क्योंकि आप कह रहे हो कि आप कुछ नहीं कर रहे। देखिए सरकार ने कितना बड़ा कदम उठाया, इन विधायकों के खिलाफ अपने कुछ कार्यकर्ताओं को छोड़ दिया है कि आप आरोप लगाइए। सरकार समझ गई मैं। हाँ अरे देखिए देखिए एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी है, एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी है सरकार के, सरकार और संगठन के इमेच्योर लोगों ने एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी है कि एक मीडिया में जंग छिड़ गई है विधायकों और कार्यकर्ताओं की। ऐसे आपने सामने खड़ा कर दिया आपने। इस बात से सहमत हूँ, वो लोग अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए राजनीति कर रहे हैं, उन्हें संगठन और अनुशासन से मतलब नहीं है। यहाँ मैं आपसे बात सहमत हूँ। आपके विधायक या संगठन के लोग? नहीं जो आप बात कर रहे हैं विधायक या ये सही बात है, जो विधायक कर रहे हैं स्वार्थ की राजनीति या फिर संगठन, मैं बात का जवाब दे रहा हूँ। विधायक की मैंने पहले कह दिया आपको, विधायक ने अपनी जो बात कही है, जो भी विधायक बात कर रहे हैं, नरुला जी ने तो बात कही, नरुला जी ने तो कुछ और और अनुशासनहीनता क्या होती है मेरे भाई, अपने आप मान रहे हैं ऐसा होया है, और अनुशासनहीनता होती क्या है, यही अनुशासनहीनता है। कितना रह गया कांग्रेस में लठबाजी, सड़कों पर हो गई इनकी जुबानबाजी, अब व्यक्तिगत मत है खजान सिंह जी, एक विधायक को अपनी बात नहीं, अगर नहीं कहेगा तो सर कांग्रेस में आपको ये बात नागवार क्यों गुजरती थी, आप वहाँ पर ये क्यों आरोप लगाए करते थे कि इनमें आपस में विपक्ष है, कांग्रेस में भ्रष्टाचार भी तो आप यहाँ पर क्यों आरोप भ्रष्टाचार के लग रहे हैं, फर्क क्या है आप इनके 16 से ज्यादा विधायक और 5 से ज्यादा एमपी, ये लगभग 2 साल से ओपनली माननीय मुख्यमंत्री कार्यशैली को बार बार आलोचना करते हैं, खुल्लम खुला आरोप लगाते हैं, और 5 एमपी से ज्यादा लगा रहे हैं और 16 से ज्यादा विधायक लगा रहे हैं, तो ये विश्वास खो चुकी है सरकार। और मैं ये कहना चाहता हूँ जिस तरीके के हालात आज महाभारत की इस पार्टी में बने हुए हैं, इससे हरियाणा प्रदेश का नुकसान हो रहा है, इससे हरियाणा प्रदेश का विकास प्रभावित हो रहा है, जो असल जो झगड़ा है की बात कही आपने। इस बात को, हाँ। को लेकर मैं ये कहना चाहूंगा कि बीजेपी के जो जो भी नेतृत्व है उसको अनुशासन की कार्रवाई करें या अपने पर कंट्रोल करें, कम से कम प्रदेश के जो जनादेश है उसके साथ धोखा नहीं करना चाहिए। ये कहते कुछ है करते कुछ है। मैं थोड़ी देर पहले एक बात कहना चाहता था, उस बात को इन्होंने बीच में काट दिया, फिर बताना चाहूंगा। भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा, नहीं नहीं आप ये खजान जी नहीं, ये बात गलत कह रहे हो, हमने जितना आप बिल्कुल कोई अधिकार भी नहीं है, आप कह भी नहीं सकते, कह भी नहीं सकते जिस जो समान से देश की प्रतिष्ठा के आप और देवताओं की प्रतिष्ठा के लिए हम जो काम कर रहे हैं, आपने ये कांग्रेस के करे कारनामे है, और जो आप सरकार की बात कर रहे हो, हुड्डा जी की सरकार में, हुड्डा जी की सरकार में मैं उंगलियां गिना दूं, हुड्डा जी की सरकार में 9 के 9 एमपी बगावत करके दे, 9 के 9 बडाना बडाना सैलजा इंद्रजीत 9 के 9 एमपी बगावत करके थे, 9 के 9 एमपी बगावत करके थे। मेरे पास वक्त नहीं है भैया साहब, साथ पाएंगे इन विधायकों को, बिल्कुल बिल्कुल कोई भी विधायक पार्टी की बात अपनी बात कहने का अधिकार रखता है, पार्टी से बाहर नहीं है, पार्टी के एक संभाल लीजिए वरना हाल आपका कांग्रेस जैसा ना हो जाए, कांग्रेस की नाव डूब गई इसी कारण से, बंटवारा जो हो गया है, कांग्रेस तो दोबारा सत्ता में आएगी, कांग्रेस 10 साल जब आएगी, प्रदीप नरुला जी की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, कुछ कार्यकर्ता ये निष्ठावान कार्यकर्ता बोलते जो भाजपा वाले, वो विधायक के पीछे लगा दिए, मीडिया के माध्यम से लगा दिए हैं, अनुशासन नाम की कोई चीज नहीं है, नहीं नहीं अनुशासन नाम की इस पार्टी में कोई चीज अब बची नहीं है, अनुशासन नाम की भानुमति का कुनबा है बीजेपी, इन्होंने इधर उधर के नेताओं को तोड़ के भानुमति का कुनबा बनाया था, तो ये तो बैठने का नहीं था, देश भगत की पार्टी है, देशभक्तों की पार्टी है, देश के लिए काम कर रही है, आपको तो फक्र होना चाहिए। खजान सिंह जी अभी छेका नहीं टूट रहा, आप इतना उत्साह में मत आइए, अभी ऐसा कुछ नहीं हो रहा। बाकी हाँ, इस मुद्दे को सरकार को और संगठन को बड़ी परिपक्वता से हैंडल करना चाहिए था, जिससे वो करने में असफल हुए। बिल्कुल, चलिए सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। वही परिपक्वता जिसकी जरूरत है, शुरुआत में हमने कहा कि वो परिपक्वता कहीं ना कहीं नजर नहीं आ रही है, इमेच्योरिटी कहीं ना कहीं है, या तो मैटर को सुलझाया नहीं जा रहा या फिर सुलझाने में आ नहीं रहा। अब क्या मामला है वो हम आप पे छोड़े जा रहे हैं, फिलहाल कार्यक्रम में आपसे ले रहे हैं इजाजत, नमस्कार।